देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये कोई डिटरमिनेंट दे रखी है, देन फाइंड इंटीग्रल माइनस पाई बाई थ्री से प्लस पाई बाई थ्री एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या था? ये डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले ध्यान देंगे, जब भी माइनस से प्लस तक सेम लिमिट दे रखी हो तो हम इवन और ऑड फंक्शन चेक करते हैं। इवन और ऑड फंक्शन कैसे चेक करेंगे कि इसमें x की जगह माइनस एक्स रख दें, तो माइनस एक्स डालेंगे, साइन एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, सेक माइनस एक्स सेक एक्स ही रहता है, ये एक्स इंटू साइन एक्स, तो दोनों में माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और एक माइनस इसका तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ही रहेगा, कॉस माइनस एक्स भी प्लस कॉस एक्स होता है, और ये एक्स स्क्वायर तो ये भी सेम है, तो ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे, केवल इसके साइन चेंज हुए। तो एक कॉलम के सभी साइन नेगेटिव हैं, तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम। कॉमन निकाल लिया हमने तो बाहर माइनस आ गया, बाकी ये आ गया। अब ये फिर से क्या बन गया? यही बन गया एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एफ माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये क्या हुआ? ऑड फंक्शन। और माइनस से प्लस तक लिमिट दे रखी हो और ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? जीरो होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व हुआ। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये है डिटर्मिनेंट, ये दे रखा है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करके आर थ्री में से आर वन माइनस किया तो ये दो जीरो आ गए। अब इसे सॉल्व करोगे, इसका डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस बाहर, इसे अंदर ले जाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, तो दोनों सेम आ गए, तो होल स्क्वायर। तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस लग जाएगा इसी में। तो थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थ्री का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? माइनस वन। तो क्या आया? रूट टेन, लेकिन स्क्वायर की पूछ रहा था, इसका होल स्क्वायर, तो रूट टेन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? टेन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन। तो इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? टेन। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जब भी एबीसी में क्वेश्चन दे रखा हो और एबीसी में ही आंसर दे रखा हो तो एबीसी की वैल्यू हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे, इस तरह से कंसीडर करेंगे कि डायरेक्ट जीरो ना हो रहा हो। तो हमने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन कंसीडर कर लिया तो ये मिलेगी, तो कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम नहीं हो रही, जीरो नहीं हो रहा। एबीसी की वैल्यू वन टू थ्री भी कंसीडर कर सकते हैं, जो इजी पड़ जाए आपके लिए वो, बस दे ध्यान रखेंगे डायरेक्ट जीरो ना हो रहा हो। तो ये इसमें रख के सॉल्व किया तो फोर आ रहा है। अब ए बी सी की वैल्यू हमने जो ये कंसीडर करी थी वन, ये रखने पर ऑप्शन में जिस ऑप्शन से फोर आ जाएगा वही करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन से आ रहा है। इसमें ए बी सी वन रखोगे तो फोर सी ऑप्शन से आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, ये है डिटर्मिनेंट, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये दे रखा है और इसके सोल्यूशन ये है, तो ये भी उसी तरह का दे रखा है, एक्स वाई जेड में है, आंसर भी एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड अपनी तरफ से कंसीडर कर लें। तो देखो यहाँ वन कंसीडर नहीं करेंगे सभी को, क्योंकि सभी को सेम कंसीडर करेंगे तो सब टू 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 हो जाएंगे, तो वो तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो हमने ये वन टू थ्री कंसीडर किया, इसमें वैल्यू रखी एक्स की वैल्यू वन, वाई की टू, जेड की थ्री, तो ये मिला। अब इसे हमने सॉल्व किया डिटर्मिनेंट तो माइनस 36 आया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने पर जिस ऑप्शन से माइनस 36 आ जाएगा वही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन में रखा हमने, तो देखिए माइनस 36 मिल रहा है डी ऑप्शन में रखने पर, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये इस तरह से हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।